हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे सब? आज है सोमवार और बज रहे हैं 6:45। बहुत ठंडी है सुबह सुबह। ठंडी हो या गर्मी या बारिश, हमें तो कभी छुट्टी नहीं होती है। हमें तो हर चीज़ का सामना करना पड़ता है और अपने काम करने पड़ते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी और आलू। उसके लिए मैंने चढ़ाया है तेल कढ़ाई में, और फिर मैंने उसमें लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर, उनको भून लिया है। इसमें मैंने मसाले नहीं डाले हैं पहले, वो मैं बाद में डालूँगी। ये मैं अलग तरह से बना रही हूँ सब्ज़ी। और अब और एक मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके लिए भी मैंने लिया है तेल। उसमें डाले हैं मैंने प्याज, मिर्ची और ये चौलाई की सब्ज़ी, इनको मैं धोकर इसमें डाल रही हूँ। तो ये दो सब्ज़ी मैंने उठते ही बना ली है। और अभी मैंने रात को बर्तन वॉश किए, वो मैंने लगा कर नहीं रखे हैं क्योंकि किट्टू सोया है और सभी लोग सोए हैं, कोई भी नहीं उठा है अभी तक। तो मैं बर्तन रखने जाऊंगी तो सब उठ जाएंगे, इसीलिए मैंने अभी तक बर्तन नहीं लगाए हैं। चौलाई की सब्जी मेरी बन गई है, तो मैंने इसे एक छोटे से कटोरी में निकाल के रख दिया है और कढ़ाई वॉश करने के लिए बेसिन में रख दी है। और बर्तन का जो टोपला है मैंने उसे नीचे रख दिया है फ़िलहाल के लिए, ताकि ऊपर मुझे अच्छे से स्पेसफुल जगह मिल जाए। और दूसरी उसी जगह पे मैंने अभी चावल चढ़ा दिया है। और मेरी फ्लावर की सब्ज़ी भी पक गई है, तो मैंने उसे भी दूसरे बाउल में निकाल कर रख दिया है। अभी मैं किट टूट गया है तो मैं किट्टू को नाश्ता करा रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि मुझे लेट हो रहा है तो मैं खुद ही खाना ले लेता हूँ। ये ऑफिस चले गए हैं और किट्टू भी नहा धोकर रेडी हो गया है। तो अभी मैं अपने बाकी सारे काम निपटा रही हूँ। तो ये खाना बनाने के बाद जो बर्तन निकले थे, तो ये मैं वॉश कर रही हूँ। साथ ही साथ सारे बर्तन हो जाए तो अच्छा लगता है, फिर बाद में ज़्यादा जमा नहीं होते हैं, इसलिए हाथों हाथ सभी काम करना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इनको अच्छे से वॉश कर रख दे रही हूँ। बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, तो अभी मैं गुंडियों को साफ़ कर रही हूँ। आज नल आने वाला है शाम में, तो मैंने सोचा कि यही काम शाम में भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी ही इसे वॉश कर रख दिए है, क्योंकि कभी शाम में मूड हो ना हो, तो इसलिए मैंने अभी ही वॉश कर रख दिए है इसे। तो अभी मैं इसे नींबू से वॉश कर रही हूँ। नींबू मैंने थोड़ा सा बार लगाया है वॉश करने वाला, और इसे मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। ऐसे मेरे तीन गुंडी है, पीतल की और तीन स्टील की, तो ये हमेशा मुझे वॉश ही करना पड़ता है, ताकि ये अच्छे चमक उठे और मुझे भी अच्छा लगे। तो अभी वो वॉश करके हो गया है, और बाकी के दो पीतल वो भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। अब मैंने पूरा दिखाया नहीं, ताकि वीडियो बड़ी हो जाएंगी।
अभी मैं गैस को साफ कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद तुरंत किट टूट गया था, इसलिए मैं गैस को साफ नहीं कर पाई। तो अभी मैं गैस को साफ कर रही हूँ। सोचा था पहले बर्तन वर्तन वगैरह सब कर लूँगी, उसके बाद ही गैस साफ करूँगी, क्योंकि फिर पानी आ जाता है इधर बेसिन का थोड़ा बहुत, तो फिर दोबारा से करना पड़ता। इसलिए मैं जब एक किचन में होती हूँ तो किचन के सारे काम निपटा के फिर बेडरूम में और फिर हॉल में चले जाती हूँ। इस तरह से मैं काम करती हूँ सारे। अभी बेडरूम में तो वैसा ही सब पड़ा हुआ था, ये कभी कभी उठा लेते हैं ये बिस्तर, पर आज उनको लेट हो रहा था तो उन्होंने नहीं उठाया, तो मैं अभी उठा रही हूँ। आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करना है, बस इसी को झटक के मुझे चेंज करना है, सॉरी उसी को झटक कर उसी को डालना है बेड पर। तो अभी मैं इसे डाल रही हूँ बेड पे और सब किट्टू के टॉयज उन्हें अच्छे से लगा रही हूँ। सुबह के 11 बजे है और मेरे सारे के सारे काम हो गए हैं। देखिए मेरा हॉल किस तरह से पूरी तरह से साफ हो गया है। तो अभी हो गई है शाम और किट्टू खेल रहा है बाहर बॉल अपने दादी के साथ। थोड़ी बहुत ठंडी है इसलिए मैंने उसे स्वेटर पहना दिया था पहले ही, और फिर उसके बाद वो बाहर निकल गया था। और अंदर के अंदर क्या करेगा वो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसको बाहर भी निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी बॉडी की हालचाल भी हो जाए। और